रानी पद्मनी के किरदार में दीपिका, रावल सिंह के किरदार में शाहिद, अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में रणवीर, सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अपने पहले ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है। अपने पहले दो हफ्तों में इस फिल्म ने 236 करोड़ का कारोबार पूरा कर लिया है। वहीं इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे आप फूले नहीं समाओगे। जी हाँ, ये फिल्म बॉलीवुड सिनेमा की 19वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अगर बॉलीवुड सिनेमा की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो लिस्ट इस प्रकार है। बाहुबली 2 511 करोड़ रुपए, दंगल 387.39 करोड़ रुपए, पीके 340 करोड़ रुपए, टाइगर जिंदा है 339.08 करोड़ रुपए, बजरंगी भाईजान 320.34 करोड़ रुपए, सुल्तान 300.50 करोड़ रुपए, धूम 3 284 करोड़ रुपए, कृष 3 240 करोड़ रुपए, पद्मावत 236 करोड़ रुपए, किक 243 करोड़ रुपए। कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका ने सलमान की किक को पछाड़ दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में ये फिल्म कितने करोड़ों का कारोबार करती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।